गदर 2 के हिट हो जाने के बाद अब सनी पाजी के दुश्मन भी उनसे गले मिलने के लिए तरस रहे हैं। चाहे वो शाहरुख हो या फिर आमिर खान, हर कोई सनी देओल की फिल्म गदर 2 की तारीफों के पुल बांधता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गदर 2, जिसे 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, यह अब तक फिल्म 500 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार चुकी है और यह भारतीय सिनेमा इतिहास की उन चुनिंदा फिल्मों में से शुमार हो गई है जिस फिल्म का इतना शानदार कलेक्शन देखने को मिला। पठान फिल्म के बाद गदर 2 आती है और गदर 2 का इतना शानदार कलेक्शन देखने के बाद उनके दुश्मन भी अब सनी पाजी के साथ हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि अब शाहरुख समेत आमिर खान भी सनी पाजी के तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। अब इतिहास गवा रहा है कि शाहरुख और आमिर के साथ सनी पाजी के रिश्ते एक समय बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। आमिर खान के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर इन दोनों के बीच में कॉल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर डर फिल्म के साथ हुए विवाद के कारण शाहरुख के साथ अभिनेता सनी देओल के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन सनी देओल की फिल्म गदर 2 के हिट हो जाने के बाद से ही अब उनके दुश्मन भी उनसे हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। होता यह है कि गदर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद सनी देओल ने मुंबई में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और इस ग्रैंड बैश में बी टाउन से जुड़ी कई सारी नामी सितारे शामिल हुए। इनमें से आमिर खान भी शामिल रहे। यूं तो आमिर खान पार्टी वगैरह से दूर रहते हैं, लेकिन सनी देओल के बैश में आमिर खान ने शिरकत की। उनकी मौजूदगी ने पार्टी में 4 चांद लगा दिया। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात तो ये रही कि आमिर सनी की बॉन्डिंग थी जिसने पूरे सोशल मीडिया पर सनसनीसी मचा दी। ये पार्टी 2 सितंबर को आयोजित की जाती है और आमिर खान सनी देओल को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पार्टी में देने पहुंचते हैं। पार्टी के बाद सनी आमिर को छोड़ने के लिए बाहर आए और साथ में ढेर सारे फोटोज भी खिंचवाई और सनी देओल और आमिर खान साथ में बहुत खुश भी दिख रहे थे। हालांकि पेपराजी को पोज देने के बाद सनी देओल और आमिर खान ने एक दूसरे को गले भी लगाया। मिस्टर परफेक्ट ने सनी देओल का हाथ पकड़कर उन्हें शुभकामनाएं देते दिखे। सनी और आमिर की बॉन्डिंग से साफ पता चलता है कि वे कितने अच्छे दोस्त हैं। वीडियो देख लोग जमकर अपने फेवरेट स्टार्स पर प्यार भी लुटा रहे हैं। हालांकि सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में भी आमिर खान ने शिरकत की थी और यहां पर आकर उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन गदर 2 के सफल होने के बाद एक बार फिर से आमिर खान ने सनी देओल की खुशियों में शिरकत की है और यहां पर पेपराजी को पोस्ट देते हुए उनका रिएक्शन भी सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सनी देओल और आमिर खान के रिश्ते इसलिए बिगड़े थे क्योंकि आज से करीब 22 साल पहले इन दोनों फिल्मों के बीच में क्लैश देखने को मिला था। ये दोनों सुपरस्टार अपनी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे थे। 2001 का जिक्र करना चाहेंगे जब आमिर खान की फिल्म लगान का बॉक्स ऑफिस पर आगाज होने वाला था, तो वहीं दूसरी ओर इसी दिन सनी देओल स्टार फिल्म गदर एक प्रेम कथा का भी आगाज होना था। इन दोनों फिल्मों के क्लैश को लेकर ऐसे कयास लगाए गए थे कि शायद आमिर खान की फिल्म लगान कहीं ना कहीं गदर एक प्रेम कथा पर भारी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका हुआ उल्टा। हालांकि आमिर खान की फिल्म ठीक ठाक कमाल तो कर पाई, लेकिन गदर के मुकाबले इस फिल्म के कलेक्शन में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। यही बड़ी वजह है कि इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी और आमिर खान को जिस हिसाब से सनी पाजी ने सबक सिखाया था उससे आहत होकर आमिर खान ने कई सारे बेतुके बयान भी दिए थे और उन्होंने गदर एक प्रेम कथा का मजाक तो उड़ा दिया था, लेकिन आज वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। यही बड़ी वजह है कि सनी पाजी ने उन्हें पार्टी में इनवाइट करते हुए गदर 2 की सक्सेस को उन्होंने दुनिया के सामने रखा। साथ ही आमिर खान इस पार्टी में शिरकत करते हुए गदर 2 की बधाइयां देते नजर आए। गदर 2 की सफलता पर आमिर खान का रिएक्शन भी सामने आया और उन्होंने इस पर कहा है कि गदर 2 भारतीय सिनेमा इतिहास की बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। पठान के बाद गदर 2 एकमात्र ऐसी फिल्म है जिस फिल्म ने 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी हो और हम सनी देओल के अलावा फिल्म से जुड़े हर एक कलाकार को बधाइयां देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि आमिर खान भी अब गदर 2 की सफलता के बाद सनी पाजी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आमिर खान की पिछली रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा आई थी जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सबके बावजूद बायकॉट की लहर ने इस फिल्म का सत्यानाश करके रख दिया। बताया जाता है कि आमिर खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन जिस हिसाब से इस फिल्म का कलेक्शन सामने आया उस हिसाब से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आमिर खान अपनी इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद बहुत ज्यादा आहत भी हुए। आने वाले समय में आमिर खान किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी जानकारी तो नहीं सामने आ पाई है, लेकिन उनका मानना है कि अपने फैंस को जल्द से जल्द एक बड़ी फिल्म के साथ रूबरू जरूर कराएंगे। तो दूसरी ओर अगर सनी पाजी की बात करें तो गदर 2 के हिट हो जाने के बाद आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। गदर 2 के हिट होने के बाद क्या ऐसे लगाए जा रहे हैं कि सनी देओल अपकमिंग फिल्मों में बॉर्डर 2 को भी लेकर काफी एक्साइटेड चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि जेपी दत्ता बॉर्डर 2 को लेकर जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इसके साथ ही बाप ऑफ द फिल्म्स को भी लेकर सनी पाजी खूब चर्चाओं के विषय बने हुए हैं और इस फिल्म में सनी पाजी के अलावा जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार होने वाले हैं। ये गदर 2 के बाद सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से मानी जा रही है। साथ ही वो सूर्या फिल्म को भी लेकर खूब चर्चाओं के विषय बने हुए हैं और इसी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं।